हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी हूँ। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए दो ब्यूटीफुल इजी सेल्फ हेयर स्टाइल लेके आ गई हूँ। तो चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो हेयर स्टाइल की वीडियो बनाने से पहले मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ। अगर आपके आईज के आसपास बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है और आप परेशान हो गए तो मैं कुछ टिप्स दूंगी, ये फॉलो कीजिए, आपका जो डार्क सर्कल है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा एंड आईज के आसपास का रिंकल्स जोरियाँ जो पड़ी रहती है वो भी ठीक हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला जो इजी जो टिप्स है वो है, आपके घर में किचन में मलाई होगी, दूध जो उबालते हैं तो उसके ऊपर जो छाली यानी मलाई बैठ जाती है वो ले लेना है एंड गुलाब जल से अपने आईज के आसपास के एरियाज को अच्छे से भिगो देना है एंड मलाई को फिंगर स्टिक्स पे लेके मसाज करना है 2 से 4-5 मिनट तक। उसके बाद से उसको वैसे ही छोड़ देना है, 15-20 मिनट के बाद वॉश कर लीजिए। अगर आप ऐसे रख सकते हो तो रात में लगाइए तो ज़्यादा फायदा करेगा। एंड जो सेकेंड टिप्स रही, तो हमारा फर्स्ट टिप्स हो गया आईज डार्क सर्कल एंड रिंकल्स को रिमूव करने के लिए। सेकेंड टिप्स जो है वो है विटामिन ई की कैप्सूल्स, उसमें भी आपको गुलाब जल की जरूरत पड़ेगी। तो विटामिन ई की कैप्सूल लेनी है आपको। विटामिन ई की कैप्सूल्स मैंने रखी थी, कैसी होगा वो तो आपको दिखा देती हूँ कैसी होती है। वैसे मैंने अपने और वीडियोज में भी दिखाया है हेयर के लिए, तो मिल गया। तो ये है विटामिन ई की कैप्सूल्स, इसको आपको इसको पंक्चर करके एक कैप्सूल निकालना है, पंक्चर करना है एंड गुलाब जल से फेस को अच्छे से गीला करना है एंड इसको इसका जो जेल निकलेगा ऑयल उसको अच्छे से मसाज करना है जहाँ भी आपके स्किन पे रिंकल्स है, झुरियाँ हैं एंड आईज के आसपास, तो आपका डार्क सर्कल और रिंकल की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये सेकेंड टिप्स हो गया। और थर्ड टिप्स में अगर आपको जैसे बहुत ज़्यादा जल्दी आप खत्म करना चाहते हो डार्क सर्कल को तो ये टिप्स तो फॉलो करने ही है, साथ में आपके आईज के आसपास के एरियाज को मॉइस्चराइज रखना है। जो भी आप मॉइस्चराइजर लगाते हो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में आईज के आसपास लगाइए। वैसलीन भी अच्छा ऑप्शन है, वैसलीन भी आप लगा सकते हो। तो आई होप ये टिप्स आपको पसंद आए हों। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। और आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, सब कुछ ट्राई करके थक चुके हो, तो आप विटामिन ई की कैप्सूल भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए। जो भी ऑयल या शैम्पू यूज करते हो उसमें आप उसको 1 से 2 कैप्सूल मिक्स करनी है एंड अप्लाई करना है, अच्छे से जड़ों में मसाज करना है, आपका हेयर फॉल डेफिनेटली कम हो जाएगा। मैंने ट्राई किया है, मुझे फ़ायदा हुआ है, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेयर स्टाइल है वो मैं बताऊँगी ओपन बालों के लिए यानी कि खुले बालों के लिए। इसके लिए आपको 2 क्लिप्स की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे ये वाला क्लिप ले रही हूँ, आपके साथ जो भी हुआ वो ट्राई कर सकते हो। देखा सेंटर पार्टीशन से कर लेनी है ये हेयर स्टाइल, इस तरीके से सेंटर पार्टीशन आपको कर लेनी है, बीच की मांग निकाल लेनी है एंड इस साइड से हेयर को ऐसे लेना है थोड़ा सा। ओके, अच्छे से कॉम कर लेना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके जैसे हम लोग सिंपल चोटी बनाते हैं वो आपको यहाँ पे बना लेना है। चोटी को गूंथने के बाद से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से खींच लेना है जिससे कि जो आपका हेयर स्टाइल है वो अच्छा दिखेगा और वॉल्यूम भी दिखेगी चोटी में। ओके, और इसको ऐसे बैक साइड में लेके जाना है और यहाँ पे सेंटर में क्लिप्स को लगा देंगे। ओके, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है। पार्ट में डिवाइड करना है एंड छोटी गूंथ लेनी है। अगर आपके शॉर्ट हेयर है बट फ्रंट से शॉर्ट नहीं है, आगे से आपके बाल ठीक है
और बैक से आपने शोल्डर लेंथ वगैरह रखा है फ्रंट बैक पूरा, तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। एंड लॉन्ग हेयर है तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड तक पूरा इस तरीके से खींच के ले जाना है हेयर को, इसको भी इस तरीके से ले जाना है। एंड इस वाले हेयर के ऊपर से क्लिप को लगा देना है और ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। काफ़ी अच्छा भी लग रहा है एंड इजी भी है, कोई भी बना सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया, कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसको मैरिड गर्ल्स अनमैरिड है तो भी बना सकते हो, बीच की मांग निकलेगी आप सिंदूर वगैरह लगाना है तो भी लगा सकते हो। मुझे तो अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए आपको ये वाला ओपन कर लेंगे पहले हेयर, और जो आपकी चोटी है इसको खोलना नहीं है, इसको बस इस तरीके से फ्रंट साइड में छोड़ देंगे। एंड बाकी सारे हेयर को एक हाई पोनीटेल बनाएंगे। हाई पोनीटेल बनाने के बाद आपको एक पतला वाला रबर बैंड लेना पड़ेगा इस हेयर स्टाइल के लिए। एंड जो आपने चोटी बनाई है इनको आपस में इस तरीके से पकड़ के और रबर बैंड को लगा देंगे। देन इनको इस तरीके से क्रॉस कर लेना है एंड ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और जो आपकी पोनीटेल है उसको इसके अंदर से निकाल देंगे। और दैट्स इट, ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो पोनीटेल हेयर स्टाइल पे ये वाला ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा, कॉलेज गर्ल्स के लिए भी बेस्ट रहेगा। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। थर्ड में आपको क्या करना है, थर्ड हेयर स्टाइल के लिए आपको इसी हेयर स्टाइल पे इस तरीके से ओपन करेंगे एंड एक क्लचर यहाँ पे लगा देंगे रबर बैंड के जस्ट ऊपर, ओके। उसके बाद पोनी के सारे हेयर को इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। जितने लंबे बाल है उतना ज्यादा अच्छा लगेगा ये हेयर स्टाइल। बैक साइड में ले रहे यूपी ने बॉडी क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर लिया। अगर आपको खुले बाल ऐसे पोनी नहीं रखना है तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन है हेयर स्टाइल बनाने का, जो कि काफ़ी अच्छा और इजी लगेगा, इजी है। इस तरीके का लुक आएगा इसका, ये भी काफ़ी अच्छा और स्टाइलिश है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो आपको कौन सा हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की हेयर स्टाइल्स की वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।